हेलो फ्रेंड्स, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। आज फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बिल्कुल अलग स्टाइल से मैं राजमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस तरीके से अगर आप राजमा बनाएंगे तो सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राजमा बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो राजमा लिया है। इसे हम 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। सात से आठ घंटे बाद मेरा राजमा पूरी तरीके से भीग गया है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। अब देखिए, मैंने अपने सारे राजमे को एक कुकर में ले लिया है। इसके साथ साथ ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं, इसमें 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने फोड़ दिया है, और 4-5 लौंगे तथा 8 से 10 काली मिर्चें और 1 हरी इलायची, ये भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी लगा आने तक इसे गैस पर चढ़ा देंगे। हमारे कुकर में 4 से 5 सीटी आ गई हैं, इसका प्रेशर भी ठंडा हो गया है। अब इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा राजमा गल गया है। इसे हाथ से फोड़ने पर ये आराम से फूट रहा है। अब मैंने ये 4 बड़े प्याज लिए हैं, ये 250 ग्राम के करीब हैं, ये 3 टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्चें तथा 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं। प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है और टमाटर हरी मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा मोटा मोटा रफली काट लिया है। इसके साथ ही ये 8 से 10 लहसुन की कलियां इसमें डाल दी। अब मैंने कढ़ाई में ये 2 टेबल स्पून तेल लिया है, इसे अच्छे से गरम होने देंगे। देखिए अब मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें से अच्छा धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे और इन्हें लाल होने तक भूनेंगे। ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल लाल हो गया है। अब इसे हम निकाल के अलग रख लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब इस बचे हुए तेल में मैंने अपने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए, इन्हें भी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से गला लेंगे। अब देखिए ये मेरे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने रख देंगे। और प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्च, लहसुन को सभी को अलग अलग पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो मैंने ये प्याज भून कर रखा है इसको इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया था और ये भुना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसे भून ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़े से पिसे हुए मसाले इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम उबलते समय राजमा में भी डाल दिया था। इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ साथ इसमें मैंने 1 चम्मच राजमा मसाला डाल दिया है, ये MDH का राजमा मसाला है। देखिए मेरा प्याज अच्छे से भुन गया है। इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही भुना हुआ था, इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें अपने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए मेरे टमाटर और प्याज ये सब अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच क्रीम डालूँगी। इसे भी अच्छी तरीके से भुन जाने देंगे। देखिए मेरी क्रीम भी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब इसमें हम अपना राजमा ऐड कर देंगे।
ये देखिए इसमें मैंने अपना राजमा ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा हल्की आंच पर खौलने देंगे। देखिए मेरा राजमा अच्छे से खौलने लगा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर फ्रेंड घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं इतना गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसे भी मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा राजमा बनके तैयार हो गया। अब इसे सबसे बाद में हम धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए मेरा बिल्कुल अलग स्टाइल का राजमा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए।